चलिए, कोडरमा लोकसभा है और कोडरमा लोकसभा का ये गांडी विधानसभा है। आप जानते हैं कि 20 मई को दोनों स्थान पे चुनाव होना है और दोनों स्थान पे लोगों का बड़ा उत्साह है, बहुत उमंग है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा से जहां वर्तमान सांसद और मंत्री महोदया आदरणीय अन्नपूर्णा देवी यहां पे शिरकत कर रही है एज ए प्रत्याशी फिर से, जैसा कि लोकतंत्र में है, और दूसरा भाजपा से यहाँ पे दिलीप वर्मा जी हैं जो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों का छाप क्या है? कमल फूल। जोर से बोलिए, क्या है? कमल फूल। दोनों का छाप कमल फूल छाप है। और मैं आपको सुनाता हूँ, ये फुफुंदी गांव है, फुफुंदी गांव है ना, महिलाओं का क्या रुझान है, बड़े बुजुर्गों का क्या आशीर्वाद है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अकल साहब। अकल जी, क्या करना है, किसको वोट देना है? कमल फूल। कमल फूल, मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र गुप्ता जी भी हैं, पूरा मनोजोग से अभी कल ही ये समर्थन दिए हैं अपनी पार्टी का, बाबूलाल मरांडी के हाथों में समर्थन पत्र सौंपा है इन्होंने, और कहा है कि राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, मानव हित के लिए मैं भाजपा के साथ हूँ। क्या देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम लोग एक साथ हैं जी, और चूंकि जहाँ पर राष्ट्र की बात आती है वहाँ पर अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम लोगों का एक एक पल एक एक क्षण राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है, और मैं यहाँ पर मतदाताओं से, यहाँ पर माताओं बहनों से, भाइयों बंधुओं से आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये जेएमएम वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हेमंत सोरेन जो आज जेल में है, वो बढ़िया काम करके जेल में नहीं गया है जी। वो आदिवासी का जमीन लूट करके गया है, और उसके घर वाले आकर के और लोगों को वोट मांग रही है, लोगों को बरगला रही है। और आप लोग सब जानते हैं कि अगर यदि आपका मर्दाना या हम लोग भी अपने घर में अगर यदि कुछ कुकर्म करके आते हैं तो घर वाले जरूर पूछती है कि कहां से ले लिया पैसा, कहे करो ये सब काम। लेकिन क्या कल्पना सोरेन कभी पूछी हेमंत सोरेन से कि क्यों आपने आदिवासियों की जमीन को हड़पा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सवाल जो है जनता को कल्पना सोरेन को पूछना चाहिए, इंडी गठबंधन वाले को पूछना चाहिए कि आखिर जनता को कितनी बार आप बेवकूफ बनाएंगे। और जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है, और एक एक वोट समाज और देश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए, ये आपको अन्नपूर्णा देवी पर और अन्नपूर्णा देवी के कमल निशान पर और दिलीप वर्मा के कमल निशान छाप पर पड़ेगा। चलिए, ये देवेंद्र जी है पूरी शिद्दत से बोल रहे हैं कमल छाप पर पड़ेगा। आपका क्या नाम हुआ? गुंजा। यहीं पे आपका घर? हाँ, यहीं पे। तो किसको वोट देना है? कमल फूल छाप में। कमल फूल छाप, मोदी जी? मोदी जी को। दोनों दो वोट पड़ना है, पता कि नहीं? हाँ, सब पता है। एक है एक नंबर में। हाँ। एक नंबर में कौन है? अन्नपूर्णा जी। हाँ। कमल छाप। हाँ। और दो नंबर में है दूसरा मशीन में, उसमें कौन है? दिलीप जी। हाँ। वो भी है कमल छाप। हाँ। तो कुछ नहीं देखना है, खाली किसमें वोट मारना है? कमल फूल। क्या नाम हुआ आपका? कौशल्या देवी। आपका? सुमन देवी। आपका? किसमें दे? किसमें वोट देना है? कमल छाप। कमल छाप। किसमें वोट देना है? कमल फूल। किसमें देना है? कमल फूल। और किसी को यहाँ पे कोई जानता नहीं है कौन पार्टी है, कौन लोढ़ी है, कौन छाप है, सिर्फ एक छाप है और वो छाप है कमल छाप। कमल छाप। यहाँ पर देखिए, हमारे बाबू चंद जी भी है जो पंजाब समिति भी रह चुके हैं और प्रखर वक्ता हैं, राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या माहौल है बाबूचंद जी यहाँ पे? माहौल एक नंबर है, हमेशा मेरे क्या बोलते हैं, सरप्लस रहेगा बीजेपी के लिए, सरप्लस रहेगा, यानी कि पूरी सरकार लगी है बावजूद नैया डूबती नजर आ रही है। क्या क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहब। विनोद जी, क्या नजर आता है? अरे जय जयकार होगा फुल छाप में। जय जयकार होगा फुल छाप में। और जो हमारे कैमरामैन है बेचारे, जिसको मैंने अभी मोबाइल थमा दिया, क्या नाम उनका? दिलीप जी। फागु साहब जी, किसका नाम वोट यहाँ पर रहेगा? बीजेपी ही रहेगा। तो चारों तरफ बीजेपी का जलवा है, आप देख लीजिए जो दिखाना चाह रहा है मीडिया के लोग कि यहाँ पे कल्पना है, कल्पना सिर्फ कल्पना में है, बाकी यथार्थ में सिर्फ अन्नपूर्णा है, सिर्फ दिलीप है, बाकी कल्पना को यहाँ के लोगों ने कल्पना में ही रहने दिया है, जमीन पे उतरने नहीं दिया है। इसलिए सबका निशान कमल निशान, सबका निशान कमल निशान, सबका निशान कमल निशान, कमल निशान। इसलिए आप भी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इधर उधर ताकिए झांकिए नहीं,
20 तारीख को वोट दीजिए और कोडरमा ही नहीं पूरे देश को संवारने का आप जहमत उठाइए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है इसलिए आपका भी निशान होना चाहिए, कमल निशान। और सुन लीजिए, तो अनिल तो दबाव हटा लेकिन एक एक महिला दस दस महिला का समझावे पड़ते है कि एकदम कमल छाप, दूसर को छाप नहीं, दूसर को छाप नहीं, नहीं कमल छाप, कमल छाप का ही पूरा जलवा इस गांडे विधानसभा में। जबकि एक तरफ सरकार है और एक तरफ एक प्रत्याशी है, सरकार यहाँ पे फिर हारती हुई नजर आ रही है, जैसा कि शिबू सोरेन साहब ने एक बार मुख्यमंत्री रहते हार गया था। तो यहाँ पे वही जलवा है, ये गांडे विधानसभा है। हम और गांडे विधानसभा के क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाते हैं और आप समझ लीजिए कि पूरे कोडरमा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मोदी का जलवा है, कमल का जलवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।